सो हे गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। क्लेस ऑफ किन की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी का स्वागत है। और यार, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यार आप लोअर टाउन हॉल पे सारे बिल्डर जो है वो कैसे परचेज कर सकते हो। तो यार वीडियो के एंड तक देखते रहो, और यार चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दो। तो यार सबसे पहले जो बात होती है, आप सोचते हो कि मैं जो ऑब्स्टेकल है वो रिमूव करके कर सकते हो। जी हाँ, कर सकते हो, लेकिन गाइस उसमें थोड़ी सी टाइमिंग लगी आपको। पता नहीं कितना टाइमिंग लगेगा, वो तो आपको सुपर सेल के ऊपर है कितना आपको ऑब्स्टेकल देता है आपके बेस पे और कितना आप उसमें से जेम्स आपको मिलता है। तो यार वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। तो यार आज मैं आपको सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे गाइस आप ईजिली कर सकते हो यार अचीव। जैसे आप इजिली 5 बिल्डर्स परचेज कर सकते हो और यार आपके जेम्स भी होंगे लेफ्ट होंगे। तो यार सबसे पहली जो बात होती है कि आपको क्या करनी है, तो यार यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके आपको चैलेंजेस देखनी है। तो यार बहुत से डाउट रहता है कि यार चैलेंजेस कौन से ले और कहाँ से चैलेंजेस करना चाहिए, कौन से चैलेंज करना चाहिए, वो बहुत से डाउट रहते हैं। तो यार उसकी थोड़ी भी आप टेंशन ना लो, मैं आपको ईजिली ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप जल्दी अचीव कर पाओगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई 100 जेम्स का रहता है, कोई 50 जेम्स का रहता है, कोई 20 जेम्स का रहता है। तो आप सोचते हो कौन सा करें कौन सा ना करें, कौन सा अच्छा रहेगा कौन सा अच्छा ना रहेगा। तो यार वही सोचते हो और आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो यार और यार एक और चीज़ जो रहती है वो होती है लोअर टाउन हॉल पे। लोअर टाउन हॉल पे क्या रहती है, ज़्यादा चीज़ आपको मिलता नहीं है यार। यहाँ पे मैं बात कर दूँ तो डिस्ट्रॉय 20 ईगल्स आर्टिलरीज इन मल्टीपल बैटल। तो यार लोअर टाउन हॉल पे तो ईगल आर्टिलरी नहीं मिलता है, तो आप इसे नहीं कर सकते। और यार यहाँ पे चैलेंजेस रहते हैं स्टेड जाइंट ड्रैगन, यानी कि गोल्डन लेयर का एक गोल्डन स्लेयर यहाँ पे है, तो गोल्डन लेयर का ड्रैगन रहता है उसे डाउन करना रहता है। तो वो चैलेंजेस अभी आपके नहीं अनलॉक होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वही प्रॉब्लम होती है लोअर टाउन हॉल पे। सो यार सबसे पहले जो चीज़ होती है, आप यहाँ पे चले जाओ और आपको क्या करनी है, ट्रॉफी पुशिंग करनी है। तो यार बहुत से पूछोगे यार ट्रॉफी पुशिंग बहुत हाई होता है लोअर टाउन हॉल पे, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सारे बिल्डर्स आप देखना चाहते हो अपने बेस पे 5 आउट ऑफ 5, तो यार आपको ये करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं प्रोफाइल पे यहाँ पे चला जाता हूँ और आपको यहाँ पे लीग दिखा देता हूँ। सो बात करते हैं आपको कैसे ट्रॉफीज़ मिलेंगे, कैसे जाम्स मिलेंगे। तो यार अगर आपको 1250 ट्रॉफीज़ अगर आप अचीव कर लेते हो, 1250 ट्रॉफीज़, तो यार आपको जो है 450 जाम्स जो है वो मिल जाएंगे। सो गाइस यार आपको मिलेगा 2000 ट्रॉफी पे 250 जेम्स, और ये होगा क्रिस्टल लीग। और यार उसके बाद जो लीग आपको अचीव करनी है वो है मास्टर लीग। यार मास्टर लीग आप सभी जानते हो 2600 ट्रॉफीज रहती हैं, और इसमें आपको मिलेगा 1000 जेम्स। अगर आप 2600 ट्रॉफीज कर लेते हो उसके बाद आपको 1000 जेम्स और मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस आपको लास्ट जो करना है वो करना है चैम्पियन लीग। तो यार मैं जानता हूँ कि लोअर टाउन हॉल पे बहुत ही मुश्किल होता है चैंपियन लीग, लेकिन गाइज अगर आपको सोचो अगर आप 4 बिल्डर्स ही ओपन कर लेते हो तो आपको कितना बेनिफिट होगा यार आपके बेस पे। आप इजीली मैक्स आउट कर सकते हो, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो चैंपियन लीग। तो यार चैंपियन लीग की बात कर ले तो आपको मिलेगा 2000 जेम्स। तो यार अगर आप चैंपियन लीग में चले जाते हो तो 2000 जेम्स आपको मिल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है चैंपियन लीग हिट करना अगर आप टाउन हॉल 8, 9, 10 हो तो यार आप इजीली कर सकते हो। तो यार इसके बाद आपके सारे बिल्डर जो है वो फ्री हो जाएंगे। तो यार यहाँ पे मैं आपको बिल्डर दिखा देता हूँ, और यहाँ पे लास्ट बिल्डर का जो परचेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं प्रोफाइल पे चला जाता हूँ और रिसोर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो 2000 जेम्स जो रहेंगे वो। उसके बाद मैं आपको यहाँ से मेरे जो बिल्डर हट है वो लास्ट वाला ओपन हो जाएगा, 5 बिल्डर हट मेरे ओपन हो जाएंगे। और 2000 जेम्स कब मिलेगा, जब मैं जो चैंपियन लीग है वो हिट करूँगा तो मुझे 2000 जेम्स और मिल जाएंगे। तो यार मैंने बोला था कि मैं बताऊँगा कैसे होंगे, तो यार आप देख सकते हो 2000 जेम्स मैं कर लूँगा। उसके बाद एक और बिल्डर जो है वो हमारा फ्री परचेज हो जाएगा और इजीली आप मैक्स आउट कर सकते हो बेस को। वैसे तो मेरा टाउन हॉल मैक्स है, लेकिन गाइस मैं आगे के टाउन हॉल को मैक्स कर दूंगा अगर 5 बिल्डर्स मेरे मिल जाते हैं तो। और यार अगर आपको 6 बिल्डर ओपन करना है, 6 बिल्डर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई हुई है क्या क्या आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने ऐसे ही समझाया हुआ है, तो उसे भी जाके आप चेक कर सकते हो कि 6 बिल्डर आप कैसे ओपन कर सकते हो। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर देना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।